देश में कोरोना कहर जारी, तेजी से बढ़ रही संक्रमितों की संख्या, एक दिन में 1.80 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए, फरवरी में आ सकता है तीसरी लहर का पीक। जहां मुंबई में एक दिन में 13,648 नए मामले दर्ज किए गए और 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं दिल्ली में एक दिन में 19,006 मामले दर्ज किए गए और 17 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में कोरोना के हालातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोविड टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी की, कहा संक्रमित के संपर्क में आने वाला खतरे की श्रेणी में हो तो ही कराए टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ट्वीट कर दी जानकारी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में संक्रमित जजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई, 250 से ज्यादा स्टाफ संक्रमित। वहीं विधानसभा चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा यूपी में 80 बनाम फीसदी की लड़ाई, खुद को बताया यूपी में सीएम का चेहरा, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ूंगा चुनाव। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को मिली मान्यता, चुनाव आयोग ने दिया हॉकी स्टिक और बॉल का चुनाव चिन्ह। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे अध्यक्ष, एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी और पंजाब के एडीजीपी होंगे कमेटी में शामिल। वहीं एक्टर सोनू सूद के बहन मालविका कांग्रेस में शामिल हो गई, नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिलाई सदस्यता। वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी अब भारत सरकार के पास होगी, कंपनी बोर्ड ने भारत सरकार के बकाए की किश्तों और एजीआर की पूरी ब्याज राशि को इक्विटी यानी कि शेयर में बदलने पर फैसला लिया। इस फैसले के बाद भारत सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी 35.8%, वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी 28.5% और आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिस्सेदारी 17.8% रहेगी। हार्दिक पंड्या को आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपना कप्तान घोषित किया, लंबे समय से फिटनेस से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने इस साल रिटेन नहीं किया था। खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, आने खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें वोकल न्यूज़ शहडोल।